अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिनोस किचन। आज हम यहाँ बना रहे हैं चिकन निहारी। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हैदराबादी चिकन निहारी, ये है इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ है मेरे पास आधा किलो चिकन, ये 3 टेबल स्पून ऑफ निहारी मसाला, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है पुदीना, कोथमीर, ये 1/2 कप ऑफ ऑयल, ये है 2 टेबल स्पून गेहूँ का आटा, ये है नमक। नमक हमने मसाले में भी ऐड किया हुआ है निहारी मसाले में, तो देख समझ के डालिएगा। ये है कटे हुए नींबू, 4 पीसेस कर लिए हैं मैंने 1/2 लेवल के। ये है कटी हुई सिर्फ 2 इंचेस हरी मिर्ची। यह है 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट। ये वही निहारी मसाला है जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो चेकआउट कीजिएगा। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है, इसमें पहले अब हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। इसे अच्छे से भूनेंगे, इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक भूनेगा जब तक कि लाल ना हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका कच्चापना ना चले जाए। इसे भी 2 से 3 मिनट तक भूनिएगा। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन, इसे भी हमें अच्छी तरह से भूनना है। इसे 2-3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे निहारी मसाला जो हमने घर पे बनाया था। ये वही निहारी मसाला है, 3 टेबल स्पून लिया है मैंने। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। इसे भी अच्छे से भूनिएगा। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालूँगी ताकि मसाला हमारे चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से कोट हो जाए। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, यानी मसाला अच्छे से भून चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इस स्टेज पर हम डालेंगे अब इसमें 1/2 कप ऑफ वाटर। इसमें डालेंगे कोथमीर, पुदीना, स्लिट ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे ढककर अभी 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, तब तक कि हमारा गोश्त गल जाएगा अच्छे से। इसमें हम डालेंगे अब नमक, फिर ढककर पकाइएगा। ये देखिए 8 से 10 मिनट के बाद हमारे अच्छे से पक चुका है। आठ से 10 मिनट में और पकाना है इसे। आठ से 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे देखेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अभी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी पतली है, अब इसमें हम आटा ऐड करेंगे। आटे में हम पानी मिलाएंगे, इसका अच्छे से पतले से पेस्ट बनाने के बाद हम इसे ग्रेवी में ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करते हुए डालिएगा ताकि कोई लम्स ना बने। पानी भी मिक्स कर अच्छे से डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। आटा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके इसे भी हमें 5 मिनट तक पकाना है।
कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखें, जिस तरह से आप पसंद करते हैं, पतली, गाढ़ी या मीडियम। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इसी तरह की होनी चाहिए। अब ये पक चुकी है, अभी से मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये रेडी हो चुका है। अब इसके लिए हम तीरा रेडी करेंगे। ये है 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा ताकि मिर्ची ना जल ना जाए। अब इसे हम ऊपर से पॉर करेंगे अपनी ग्रेवी पे। देखिए कितना अच्छा कलर तीरा आया है। हम डालेंगे कोथमीर, पुदीना, स्वीट ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, नींबू के साथ गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए रेडी है हमारा चिकन निहारी विथ नान रोटी, नान की रोटी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। काफ़ी टेस्टी बना था, खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है ये। प्लीज़ डू ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।